अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए आईटेल A25 का फुल रिव्यू। तो इसकी अभी ये मैं आपको लुक दिखा रहा हूँ, काफ़ी ख़ूबसूरत बना हुआ है आजकल। यानी कि जिस तरह के मोबाइल्स आ रहे हैं ना, ड्यूल शेड वाले, ये भी सेम वैसा ही है। और इसके बैक नीचे वाली साइड पे माइक है, और ऊपर चार्जिंग जैक है, और हैंड फ्री वाली पोर्ट है। बैक पे आईटेल का लोगो है, सिंगल कैमरा है, एलईडी फ्लैश है। और लेकिन इसके साथ स्पीकर नहीं है, इसका जो फ्रंट वाला स्पीकर है ना कॉल के लिए, वही म्यूज़िक वगैरह के लिए इस्तेमाल होगा। लेकिन साउंड क्वालिटी बहुत अच्छी है, ये देखिए। और बहुत, यानी कि इसकी प्राइस 6,300 है, लेकिन है ये, यानी कि बहुत अच्छी क्वालिटी है इसकी। और फ्रंट पे भी कैमरा 2 मेगापिक्सल, और साथ में एलईडी फ्लैश है, और इसमें 4GB है, 1GB रैम है। इसमें एंड्रॉयड और 9.0 है, लेकिन ये सारी एप्लीकेशन रन करता है, बेशक यूट्यूब गो हो जाए या फिर यूट्यूब दूसरी वाली, MX प्लेयर वगैरह भी। यानी कि हर एप्लीकेशन जो दूसरे मोबाइलों में चलती है ना, वो इसमें भी चलती है। लेकिन मुझे पता नहीं था कि इस तरह होगा, क्योंकि मैंने फ़र्स्ट टाइम लिया है एंड्रॉयड गो, इस वजह से। ये देखा, आप देख सकते हैं, और स्पीड भी बहुत अच्छी है। 1.4 इसका क्वाड कोर प्रोसेसर है, 1GB रैम है, 16GB रोम है, और 4G LTE सपोर्ट है। और अभी मैं आपको इसका सारा सॉफ्टवेयर चेक करवा देता हूँ। ये नेटवर्क कनेक्शन है, वाईफाई वगैरह, हॉटस्पॉट भी है, VPN वगैरह भी है इसमें, और डिस्प्ले के व्यू एंगल्स भी बहुत अच्छे हैं इसके। IPS डिस्प्ले है, और इसके साथ स्क्रीन पे प्रोटेक्टर भी लगा हुआ है, साथ में कवर है, हैंड फ्री है, और ये ब्लूटूथ है, प्रिंटिंग के लिए है। डिस्प्ले में स्लीप मोड है, फॉन्ट साइज़ वगैरह, ऑटो रोटेट वगैरह, स्मार्ट ब्राइटनेस से ही होगा कि आपका ब्राइटनेस फुल हो जाएगा जब आप बाहर जाओगे। इसमें ऑटो ब्राइटनेस तो नहीं है, लेकिन स्मार्ट ब्राइटनेस है, और फ्लैश नोटिफिकेशन भी है इसमें। और ये इसके डिस्प्ले के व्यू एंगल बहुत अच्छे हैं, मुझे तवक्को नहीं थी कि यानी कि इतना अच्छा उन्होंने डिस्प्ले दिया होगा। HD डिस्प्ले है इसका, और व्यू एंगल अच्छे हैं इसके, जिस तरफ से मर्ज़ी देखें अच्छा नज़र आएगा आपको। और इसमें नैनो सिम डलती हैं, 2 मेमोरी कार्ड भी लगता है, और 3000 mAh की नॉन रिमूवेबल बैटरी है। ये देखें, आप देखें, बहुत अच्छा यानी कि डिस्प्ले है इसका, IPS है। और मेरे चैनल को फ्रेंड्स आप ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि मैं और भी आपके लिए वीडियोस लेकर आऊँ। ये इसके वॉल्यूम्स वगैरह, रिंगटोन वगैरह है, ये ऐप्स एंड नोटिफिकेशंस हैं इसकी। मैंने और भी वीडियोस अपलोड की हुई हैं, तो इस वजह से मेरे चैनल पे इस किस्म की वीडियोस आती रहती हैं, तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर देना। फेस अनलॉक है इसमें, सिक्योरिटी में, और ये हर तरह की एप्लीकेशन सपोर्ट करते हैं, जो भी यानी कि एक नॉर्मल एंड्रॉयड मोबाइल में चलती है। पहले मुझे इस बात का नहीं पता था, क्योंकि मैंने फ़र्स्ट टाइम ये मोबाइल लिया है जिसमें एंड्रॉयड गो है, 9.0 है इसमें एंड्रॉयड पाए। ये इसकी बैटरी टाइमिंग बहुत ज़्यादा अच्छी है, और ये इसकी रैम और इंटरनल मेमोरी है। ये देखिए, रैम काफ़ी अवेलेबल है, तकरीबन 381 है, और जो इंटरनल मेमोरी, मैंने काफ़ी गेम्स वगैरह भी इसमें की हैं, चीज़ें इंस्टॉल की हैं, तो इसकी जो यानी कि स्टार्ट करने पे जब इसकी करते हैं,
तब इसकी 10.5 GB नहीं 11.5 GB खाली थी मेमोरी 16 GB में से, बाकी मेमोरी कार्ड मैंने लगाया हुआ है 8 GB का। और इसका सॉफ्टवेयर अपडेट भी आ चुका है लेकिन मैंने अभी अपडेट नहीं किया है इसका सॉफ्टवेयर, ये इसकी स्पेसिफिकेशन है। शेड्यूल पावर ऑफ ऑन और बैकअप वगैरह का भी अपडेट है, और ये सिस्टम अपडेट्स भी हैं देख लें आप। अभी अपडेट इसका आ चुका है 222 MB का आई थिंक, लेकिन वो मैंने अभी अपडेट नहीं किया। तो आईटेल जो कंपनी है ना वो एक इंटरनेशनल कंपनी है, ये टेक्नो से भी ज़्यादा यानी कि चीप सस्ते मोबाइल होते हैं इसके, लेकिन क्वालिटी अच्छी होती है। मुझे तो अच्छा लगा है 6300 में। अब 4G भी है और सब कुछ है, बस फिंगरप्रिंट नहीं है। वैसे हर इंसान की अपनी अपनी पसंद होती है, लेकिन अगर किसी ने सेकेंडरी मोबाइल के तौर पे यूज़ करना है तो फिर वो ये ज़रूर बाय करें, क्योंकि स्पीड भी बहुत अच्छी है। ये देखिए MX प्लेयर मैंने आपको ओपन करके दिखा दी है, और इसका बैक कैमरा जो है वो 5 MP है, और शेयर इट वगैरह भी मैंने इसमें इंस्टॉल किया हुआ है। ये इसकी फ्रंट लुक है, यहाँ से प्रेस करके रखेंगे लॉन्ग प्रेस तो LED फ्लैश की लाइट भी नॉर्मल है, ना ज़्यादा हल्की है ना तेज़ है, और साइड से चेंज वॉलपेपर नहीं होता। और ये इसका कैमरा है, इसका कैमरा ऑटो फोकस है। ये देखिए बैक कैमरा जो है ना इसका ऑटो फोकस है, मैं आपको पिक्चर अभी लेकर दिखाता हूँ, ये देखिए फोकस कर रहा है, और प्राइस के हिसाब से यानी कि रिज़ल्ट सही है। ये देखें मैंने एक हाथ में मोबाइल पकड़ा हुआ है ना, तो इस वजह से मुझसे ठीक से बनी नहीं है। मैंने ट्राईपोड के ऊपर मोबाइल नहीं लगाया था क्योंकि मेरे पास अवेलेबल नहीं था, इसलिए